रही हूँ। आज हम पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर खड़े हैं और यहाँ की आने वाली जितने भी यात्री हैं उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में उनका क्या राय है और 5 सालों में मोदी सरकार ने उन्हें रेलवे के लिए क्या सुविधा मुहैया कराई है। तो फिर आइए जानते हैं यहाँ की पब्लिक से कि उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिली हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में आपको क्या कहना है, बीजेपी के बीजेपी की क्यों? अच्छी सरकार है। 5 साल में आपको जितना भी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो आपको दिलवाएंगे, क्या उन्होंने दिलाया? उन्होंने दिलाया। तो रेलवे से आपको क्या क्या सुविधा मिली जो उन्होंने कहा था? बहुत सारी सुविधा मिली है। पहले से रेलवे में सुधार है तो इस बार आप मोदी सरकार चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? इलेक्शन आने के बाद में बताएंगे। इलेक्शन तो आ चुका है ना, 11 को पहला चरण है। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि इस बार आप कौन सा सरकार चाहते हैं, मोदी सरकार या फिर कांग्रेस की राहुल गांधी? हम लोग कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस को चाहते हैं? क्यों राहुल गांधी ने आज तक क्या किया है? सिर्फ अगर नए युवक लड़का है, मतलब नौजवान है, सिर्फ इसलिए ही क्यों? तो काम करेगा युवक के लिए, युवा। क्यों नरेंद्र मोदी ने आपको 5 साल में कुछ भी नहीं दिया? दिया लेकिन मतलब नए नए आदमी को चाहते हैं हम लोग। तो नया नया चाहना और काम करना, मान लीजिए कि अगर कांग्रेस सरकार आई और राहुल गांधी यंग है, सिर्फ इसलिए अगर हम लोग उनको लेके आते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो नरेंद्र मोदी के जैसा काम कर सकते हैं? नहीं, काम करेंगे नए लड़के अभी काम करेंगे। अच्छा, 5 साल में आपको नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से रेलवे की सुविधा मुहैया कराई है? जो भी कुछ किया है ठीक किया है। तो आप बोल रहे हैं कि जो भी किए मोदी जी ठीक भी किए और मोदी सरकार चाह भी नहीं रहे हैं, कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। इसमें लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? हमको तो यही मोदी बाबू सरकार चाहिए। मोदी वाली सरकार क्यों चाहिए आपको? मोदी सरकार से क्या क्या मिला? बहुत कुछ मिला। तो आपको रेलवे में जो जो सुविधाएं बोली गई थी कि ये सब मिलेंगी, या फिर आपको रेलवे में कौन कौन सा सुविधा मिला है मोदी सरकार से आने से? वो तो उनके बक्स की बात नहीं ना है, वो तो सब पर सब ना है, वो तो धीरे धीरे में करेगी। नहीं, सब पर सब है वो नहीं। जैसे कि मोदी सरकार 5 साल से है, जैसा कि आप जान रहे हैं, तो मोदी सरकार ने आपको रेलवे की तरफ से जो सुविधा मुहैया करवाई है कौन कौन सी करवाई है, और आपको क्या लगता है कि पहले से मोदी सरकार के आने के बाद आपका जो भी रेलवे का सुविधा हो या फिर आपके गली मोहल्ले का, वो ठीक की है? हाँ, यही हम देख रहे हैं कि जो मुंगेर है, मुंगेर जिला जमालपुर, वहाँ से लेके जो है बिजली वाला तार और डबल लाइन बड़ी साहबगंज तक कर दिए हैं। हाँ, साहबगंज तक कर दिए हैं। रोड पुल ये अल्लर बल्लर नौ तरह हर एक घर में बिजली पानी का साधन हर एक चीज़ कर रहे हैं, हर एक घर में खाता, और क्या करेंगे वो तो धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो इस बार आप भी मोदी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं? केंद्र रहना चाहिए, बिहार का कोई वैल्यू नहीं है, केंद्र का ही रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। 5 साल में आपको कुछ बदलाव लगा है रेलवे में? नहीं, कोई बदलाव नहीं। कोई नहीं, यानी कि मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया? नहीं, आपको कोई सुविधा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं, बीजेपी की या कांग्रेस की, राहुल गांधी या मोदी सरकार? लालू जी का। राहुल गांधी? हाँ। ठीक, लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में सिर्फ बीजेपी जीत है। बीजेपी जीते, क्यों बीजेपी क्यों और कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को पूरी जनता पसंद करती है और नरेंद्र मोदी जी बहुत ही ईमानदार नेता है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना। अच्छा, तो आप यहाँ पे मतलब आपको रेलवे में मोदी सरकार के 5 साल से क्या क्या मिला, सुविधा क्या क्या हुई? साफ सफाई है और प्रोटेक्शन भी अच्छा है, खासा है, और पेंट्री कार्ड में जिस तरह खाना बढ़िया नहीं मिलता था, आज तो पेंट्री कार्ड में खाना भी अच्छा मिलता है। जी, आपका नाम क्या हुआ और आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से हैं। तो यहाँ पे अभी कौन सी ट्रेन आपको पकड़नी है? दानापुर हावड़ा एक्सप्रेस। तो आप मतलब बराबर ट्रैवलिंग वगैरह में रहते हैं, तो ट्रेन का मतलब क्या है कहना है, मतलब ट्रेन के अंदर की जो है? एकदम अच्छी है और पहले के बनिस्पत बहुत ज्यादा सुधार आया है, और वेल
सबसे ज्यादा। तो इस बार आप बीजेपी की सरकार चाहते हैं? अगर 19 लोकसभा चुनाव में आपका क्या कहना है, इस बार कौन सी सरकार होनी चाहिए, मोदी सरकार या फिर कांग्रेस? इस बारे में क्या बोलूं? अरे आप महिला है, महिला को मोदी सरकार ने 50% आरक्षण दिलवाया है, तो आप लोग तो कुछ बोल ही सकती है ना कि इस बार आप किसकी सरकार चाह रही है। मोदी सरकार ने 800 रुपए सिलेंडर गैस भी तो कर दिए हैं। गैस सिलेंडर कर दिया, लेकिन लड़कियों के लिए जो सुविधा हुई है वो सब गहरानी के लिए तो महंगा हो गया है ना जी, लड़कियों के लिए सुविधा दिए हैं, बाकी तो महंगा कर दिए। तो इस बार आप किसका सरकार चाहती हैं इस चीज के लिए? वो तो समय आएगी तो पता चल जाएगी मुझे क्या। वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन आपके मन में होगा ना कि आपको राहुल गांधी चाहिए या फिर मोदी? हमें जो चाहिए हम जब वोट देने जाएंगे तो पता चल जाएगी। क्यों देखना चाहते हैं? कह रहे हैं की हमारा कोई सुनवाई नहीं, कोई सुविधा नहीं दी है, दिक्कत ही है, सरकार चला दिया गुरुकुल बनाए, पूरी पेट भरता है नहीं, कैसे चोरी करे बोलो। जो बहुत लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं हमको रेलवे से बहुत सारा मिला है सुविधा, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिला? कहाँ मिला सर, हमारा जोड़ीदार बोला हमारा जो पता है जो महंगा मिला है। 2019 में लोकसभा चुनाव में आप किसका सरकार चाहते हैं? देखिए अभी तक पिछली गवर्नमेंट ने जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या काम किया है सबको पता है, लेकिन एक सेंटिमेंट्स को उछाल करके सिर्फ एक जो जवानों की शहादत पे उन्होंने ऐसा खेल खेला है, लोगों के सेंटिमेंट्स को धक्का पहुंचाया है। मतलब यदि उन्हें देखा जाए तो एक सेंटिमेंट्स देश लहर के नाम पर कि देश में ये सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, हमने और भी चीजों को किया है जो शायद बीजेपी गवर्नमेंट को छोड़ करके कांग्रेस गवर्नमेंट कभी करती नहीं। ये जो है देश इसमें देश का कल्याण जब तभी हो सकता है जब बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। अभी की स्थिति में रेलवे में किसी भी तरह की कोई अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित व्यवस्था की नहीं गई है, उल्टा क्या किया गया है कि किराया बढ़ाया गया है और भी दूसरे तीसरे तरीकों की सरचार्जेस लगा दी गई है। लोग कैसे बोल रहे हैं कि रेलवे में पहले पैनेट्री वगैरह में सही नहीं था, रेलवे की सफाई वगैरह नहीं थी। हाँ, वो थोड़ा बदलाव आया, मतलब 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने बस थोड़ा बदलाव किया है। जो रेलवे के थोड़े से बदलाव से पूरे देश की स्थिति नहीं समझ में आती है, पूरा देश उस पर डिपेंड नहीं होता है। देश डिपेंड होता है आपकी गवर्नमेंट कैसी है, शिक्षा का स्तर क्या है और लोगों की जो है स्थिति आज के डेट में जो जीवन यापन कर रहे हैं तो उसकी स्थिति से पता चलता है देश की स्थिति। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद शिक्षा हो या फिर लड़कियों के लिए हो या फिर लड़कों के लिए हो, जॉब से हो, वो सब में तो बहुत लोगों को बहुत राहत मिली। नहीं, कहां से, किसने कहा मैडम? आज स्टूडेंट से पूछो बेरोजगार है, आज कितनी परेशानी का सामना वो कर रहे हैं और लोगों को प्रलोभन एक प्रलोभन दिया गया कि भाई 2 करोड़ रोजगार की व्यवस्था हर साल होगी, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हर क्षेत्र में छटाई हुई है लोगों की। मैंने अपने छोटे से बिजनेस को मैंने क्या किया है, पहले 15 लड़के काम करते थे जिसमें 4 लड़के इसमें हमारे फील्ड वर्कर थे जिनमें उनका पेमेंट कलेक्शन और भी चीजों का काम था, सबको हमने हटा दिया, हमारी फैक्ट्री में मात्र 1 लड़का हमारा काम कर रहा है और उससे हमारा अपना लाइफ खुद मतलब विक्षिप्त हो गया, मैं विक्षिप्त सा आदमी हो गया हूँ। अभी देखिए सरकार कोई भी आए, सरकार अच्छी हो कामना यही करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार जो सेंटिमेंट्स को उछाल करके लोगों को धर्म के नाम पे डराया है जिन्होंने, मतलब मुझे एक चीज की बड़ी वो है, गाय के जगह पे इंसान की कोई अहमियत नहीं रखी उन्होंने, गाय उनके लिए, अरे कौन सा ये है सेना, आप ये सेना जिन्होंने रणवीर सेना बनाई वो एक अलग सेना थी, अब वो इस तरह से लोगों को मारना पीटना और लोगों से मतलब वसूली करना था, उनका मेन काम वसूली करना था,
और ये बीजेपी कहती है कि हम तो बड़ा अच्छा काम हमने किया है। तो मतलब आप जो बोल रहे हैं कि जो सेना की शहादत के टाइम पे जो नरेंद्र मोदी ने किया वो बिल्कुल गलत किया, उनको नहीं करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये देखिए बात तो है, क्या आपको लगता है अगर कांग्रेस सरकार होती तो वैसा कुछ ना? देखिए बात कांग्रेस की नहीं है, बात कांग्रेस की नहीं है, एक अच्छी मिली जुली सरकार अभी स्थिति उसकी सही रहती, मिली जुली सरकार की स्थिति इसलिए सही रहती कि सब लोगों का एक कंट्रीब्यूशन इस तरीके का होता कि नहीं अभी देश को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है। मेरे ख्याल से ना बीजेपी गवर्नमेंट को और ये लूटेगी इस, मतलब आपके ख्याल से अगर बीजेपी अगर इस बार भी आ गई 5 सालों के लिए तो आपको लगता है कि यहाँ की मतलब ये भारत के पूरे देश की मतलब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल वगैरह उनको बहुत क्राइसिस हो जाएगा? जो हमारा जो नोटबंदी का काम पूरे वर्ल्ड में इसकी ये भर्त्सना की गई है कि हमारे आर्थिक तंत्र को उन्होंने बिगाड़ के रख दिया। तो इस बार मतलब आप नहीं चाहते कि बीजेपी आए? चाहता नहीं हूँ, लेकिन हम कोई रास्ता किसी के पास बचा नहीं है। यदि मैं उन्हें समझाऊं कि भाई क्या तुम्हारे लिए उन्होंने किया है, नहीं नहीं जी मोदी जी ने बड़े उनका 54 इंच का सीना है और वो उन्होंने ही मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करवाया है, तो ये कहना सिर्फ एक आम लोगों की वो बन चुकी है, किसी को समझा नहीं सकते, बस एक मोदी मोदी मोदी। तो इस बार आपका वोट किसको जाएगा, मोदी सरकार या राहुल गांधी? मेरे ख्याल से जाना चाहिए मोदी सरकार को ही, शायद यहाँ ज्यादा मिलेगी, वोट ज्यादा मिलेगी, बिकॉज सम रीजन वही मैंने जो बात बताई है आपको कि सेंटिमेंट्स को उन्होंने बिल्कुल ये कर दिया है कि नहीं हमने सब कुछ किया। अरे सेना आपका मत किसको जाएगा, हमारा मतलब लोगों की बात है उनके ऊपर, मतलब वो जाने की क्या भाजपा के विरोध में यानी कि कांग्रेस पर। 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है कि इस बार मोदी सरकार आएगी या राहुल गांधी? डेफिनेटली मोदी सरकार। मोदी सरकार आएगी, क्यों आएगी मोदी सरकार? क्योंकि उनके द्वारा किया गया जो 5 वर्ष का जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है। अगर देखा जाए तो जैसे कि आप अभी जस्ट आपके सामने में अभी 5 रुपीज में आपको पानी का बोतल मिल रहा है, जो कि आज से 5 ईयर बिफोर 20 रुपीज 25 रुपीज भी हो चुका था प्राइस। तो एवरीथिंग जो आप देख सकते हैं कि जो है आपको 100% सर, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं वहाँ की स्वच्छता अगर आप देख सकते हैं तो आज से 5 साल पहले यहाँ पे कितनी गंदगी थी, अगर आप आए होंगे तो आपको याद होगा, मुझे तो भली भांति याद है कि यहाँ पे पटरियों पर सारे पूरे पूरे गंदगी। मैं जॉब करता हूँ और बिजनेस भी करता हूँ जी। आपको क्या लगता है कि जीएसटी वगैरह लगने से नोट से कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं वहाँ तो आधा घंटा का प्रॉब्लम हुआ कि एक बार बैंक में जाकर क्या कैश सरकार ने जितना वादा किए सबसे पहला वादा जी सबसे पहला वादा जी हिंदू को सबको बोले कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। नहीं देखिए सर जस्ट पहला नहीं 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 सर क्वेश्चन अगर आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं नहीं 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 ये आपके रॉन्ग सेंटेंस है। आप बिफोर आप फिर से आप वो न्यूज को देखिए, फिर से आप वो न्यूज चलाइए वीडियो जो नहीं नहीं वो जो वीडियो था आप उसको फिर से वो क्लिप को देखिए और फिर आप जनता के बीच में बोलिए कि वो क्लिप में क्या है। वो क्लिप में ये नहीं कहा नहीं नहीं वो क्लिप में नहीं नहीं फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है नहीं पहला क्वेश्चन आपका है कि 15 लाख 15 लाख नहीं नहीं अभी वो बोले पहले 15 लाख नहीं नहीं पहले 15 लाख का मैं आंसर दे रहा हूँ इन्हें नहीं 15 अगर आप फिर से वो वीडियो क्लिप देखे नहीं नहीं 15 लाख की बात नहीं थी, आप फिर से उसको देखिए उसमें 15 लाख की कोई जिक्र नहीं है, उसमें जिक्र ये है मैं एक आम बात कहूँगा कि जिस समय देखिए एक प्रलोभन क्या दिया गया कि मैं देश हाँ उन्होंने उन्होंने देखिए लाल किला पे जाकर के उन्होंने झंडा फहराया और कहा कि अब जो है जितने 6 महीने के अंदर उन्होंने टाइमिंग ही कर दी थी टाइमिंग का। एक्चुअली मैं मुझे 6 महीने का ध्यान है शायद और कम रखा होगा या ज्यादा तो नहीं रखा, 6 महीने का टाइम में पूरा काला धन वापस लाऊंगा यहाँ देश में। क्या क्या कितना काला धन लाया वो और ऊपर से भगाया किनको इन्होंने, नीरव मोदी को भगाया ना भाई साहब, और भी 2-4 लोग भागे ना किंगफिशर के मालिक विजय माल्या जी। देखिए इन्होंने वादा किया था, वादा किया था इन्होंने कि मैं 15 लाख नीरव मोदी का, तो नीरव मोदी के पास में जो भी लोन अमाउंट दिया गया है बैंक के द्वारा वो किस ईयर में दिया गया है? देखो लोन देना किस ईयर में, भागा है भगाने वाला दोषी है। नहीं
न कि देने वाला दोषी है। नहीं, नहीं, आप उनका पहले तो ये देखते ना कि उनके पास कितनी की कैपिटल है और कितना उनको हम लोन सेंशन कर रहे हैं। आप बोल रहे हो ना 15 लाख
आपने थोड़ा देर पहले बोला था कि 15 लाख मिलेंगे, राहुल ने भी बोला कि वो मशीन आएगा, क्या आएगा वो मशीन लगता है आपको? और 15 लाख की बात ना, वो तो ये भी बोला भी नहीं कि 15 लाख आएगा, फिर मैं बनूंगा। अपनी स्टेटमेंट, एक मिनट, अपनी जो स्टेटमेंट, देखो अंकल, जहाँ तक ट्राई कर रहा है मोदी, ऐसा नहीं ना बैठा तो नहीं है घर में ना चूड़ी पहन के, कर तो रहा है। मंदिर क्या है, मंदिर क्या है, बेरोजगारी में क्या ट्राई करना है, बेरोजगारी में तो दिया ही रोजगार। कहाँ दिया, आज तो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों सुसाइड कर रहे हैं आप? कांग्रेस तो अपना राज बना लिया, अपना तो सब फेंक कर दिया उसने। अच्छा गवर्नमेंट ना मोदी, आप बोले ना डेवलपमेंट की बात पे कौन आता है, आए गुजरात में किया उराज तो बोल रहा है कि हाँ किया है, तब तो गुजरात की जनता पागल है, इतना दिन से बोल रहा है 5 साल से कि गुजरात में किया है। अभी आप थोड़ी देर पहले उधर अगर कैमरा करते तो उधर पे लड़का लोग खड़ा था रेलवे की बस पकड़ के, स्टैंड पकड़ के, अगर वो गिरता फिर बोलता मोदी सरकार की वादिया, अरे खुद से खड़ा होता है फिर भी मोदी का नाम आता है, ये सब थोड़ी है, अरे खुद से। अभी आप थोड़ी देर पहले देखते हैं, नहीं आप जहाँ कुछ अगर स्ट्राइक हुआ मोदी करवा दिया, ये करवा दिया, भगवा दिया, माल्या को हाथ पकड़ के भगवाया था क्या लंदन तक, कहीं देखे लंदन तक हाथ छोड़ गया था मोदी उसको, आप सीधा बोलते हैं मोदी भगवाया है। अरे बच्चे बच्चे आपको एक सुनो ना, ये बात है, बोलने था ना हमको, कर्जा दिए हैं किसी को वो भी इतना बड़ा इमाम, तो आप 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 सुन दीजिएगा, आप अचीव कर सकते हैं, तो आएगा ना अंकल। अभी आप पढ़े हो पेपर पढ़ते कि नहीं, अभी माल्या का ना उसमें कोर्ट में आ गया, लंदन के कोर्ट में, ठीक है, आप 15 लाख 72 हजार के लिए रेलवे में मोदी सरकार से 5 सालों में आपको क्या मिला रेलवे में? चलिए आपका पढ़ाई हुआ अच्छा, आपको जॉब मिला, ट्रेन और किसी को कुछ नहीं मिला, जो भी चलता है गुजरात मुंबई उधर के ही सिर्फ राज्य में चलता है, बिहार की तरफ कोई चीज नहीं, बिहार पश्चिम बंगाल यूपी इधर के एक भी चीज काम करने को हमको नहीं दिखा, बिहार का बोलने लायक है ही नहीं, बिहार में तो मैं आपको मोदी सरकार से 5 सालों में कुछ भी नहीं मिला, तो इस बार आप किसकी सरकार चाहेंगे? इस बार हमको कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस चाहिए, क्यों? आपको लगता है कि मोदी सरकार ने जो काम नहीं किया वो कांग्रेस करके दिखाएगी? हाँ, करती थी, सबसे बड़ी वैकेंसी युवा के लिए क्या चाहिए वैकेंसी, वो कांग्रेस सरकार देती थी 4 सालों के लिए वैकेंसी रुका हुआ था। पर उसी वैकेंसी वगैरह में ना ज्यादा फर्जीवारी उसी टाइम होते थे, अब फर्जीवारी नहीं होते जिसकी वजह से युवा बेरोजगार बैठे, ऑनलाइन में फर्जीवाड़ा हो रहा है, सिर्फ ऑनलाइन में ही फर्जीवाड़ा हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं होता था, लेकिन खुलिया होता था बंद अंदर पूरा, पर पहले तो उतनी सामने नहीं आती थी, अब तो ज्यादा सामने आने लगी, क्यों? पहले 4G नहीं था, 4G है, 4G है तो क्यों पहले 3G में वो काम नहीं हो पाता था, 4G है इसीलिए सिर्फ काम होगा, तो पहले तो मोदी सरकार थी नहीं थी, फिर महंगा था, मोदी सरकार के आने के बाद आपको सस्ता हुआ, तो फिर आप क्यों चाहते कि कांग्रेस आए मोदी नहीं आए? हम युवा हैं, हमको वैकेंसी चाहिए, सिर्फ वैकेंसी मिल जाए, वैकेंसी में आप किसी भी तरीके से पास हो जाओ वही चाहिए, विकास करेगा तो देश विकास करेगा। अच्छा, तो यानी कि कांग्रेस में राहुल गांधी विकास करेंगे, आपको लगता है कि वो जितने भी सपने आपको दिखाए आपको पूरा करके देंगे? पहले जिस अनुसार चाहिए, हाँ चाहिए। 2019 में लोकसभा चुनाव में आप किसे देखना चाहते हैं? 2019 में लोकसभा, सबको तो कह रहा है क्या जो एक बार करके सबको चांस देना चाहिए, सबकी बात हम लोग रहने देते हैं, सबका अपना अपना सोचा, आप क्या क्या सोचते हैं? हम भी कहते हैं एक बार करके सबको चांस देना चाहिए, अगर हाँ चाहिए दुनिया अगर इसी तरह रहा तो सबको एक बार करके बनाते, ये भविष्य में ऊपर जाके देखेंगे जो कौन अच्छा। अच्छा, तो एक बात बताइए कि अगर आप पूरी लाइफ ऐसे ही एक को एक चांस देते हुए ट्राई करते हुए अगर आप चले गए और आपको कुछ नहीं मिला तो फिर आप क्या कहेंगे? उस टाइम आपको पछतावा नहीं होगा? नहीं, कोई पछतावा नहीं, क्योंकि अपने से जो कमाना है खाना है वही तो है, तो अपने से कमाना आप तो कोशिश करने में क्या, जिसकी सरकार 5 साल बनाते हैं कल उसकी सरकार 5 साल बनाएंगे, इसकी वजह से मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस ट्राई करेंगे, ट्राई करने के लिए ही आप कांग्रेस का सरकार चाहते हैं, मोदी सरकार नहीं चाहते हैं? नहीं, हम तो ये नहीं कर रहे हैं, जो ये सरकार चाहते हैं वो सरकार चाहते हैं, वो तो जनता, आपने ये बोला ना कि आप एक चांस देना चाहते हैं कांग्रेस को, मोदी सरकार की सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी बुराई जो ये काम नहीं हो रहा था, ये बहुत गलत थी, सबसे बड़ी बुराई मोदी सरकार की, मोदी सरकार ने सबसे बुरा काम कौन किया जो आपके हिसाब से लगता है वो काम नहीं होना चाहिए? कोई भी कोई एक काम, सबसे बड़ी अच्छाई बताइए, सबसे बड़ी अच्छाई तो लगा कि नहीं मोदी ने ये काम बहुत अच्छा किया, ये काम अच्छा नहीं किया, जब वो काम अच्छा नहीं किया उसमें से एक काम अच्छा किया,
हमने तो नहीं जाने आ रहे। आपने अभी तक कोई अच्छाई नहीं देखी उनमें, कुछ भी नहीं, रेलवे से भी नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक, और वाईफाई लग गया कुल कितना करे बढ़ाया। स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय बन गया, इंदिरा गांधी आवास मिल गया, कितना तो बढ़ाए है जी उनका, उनका बढ़ाई करते करते थक जाएंगे। कुछ नहीं, गांव-गांव रोड चल गया, फोर लाइन बिजली व्यवस्था हो गया, डीयर में चल गया लाइन, डीयर में लाइन चल गया पूरा एकदम, पूरा रोड वाईफाई मिल गया, पूरा छोटा छोटा स्टेशन का वाईफाई मिल गया, सब कुछ हो गया, तो आपके लिए बहुत अच्छा। बहुत अच्छा तो वो भी बनेगा, समय पे वो भी बनेगा। 5 साल तो हो गया, अब कब बनेगा? कांग्रेस विरोध करे ना उसको, झंडे फहरा रही है, पाकिस्तान के झंडा फहरा रहा है कांग्रेस। देखिए अगर आप रेलवे में है, हेड है, तो आप कुछ कर सकते हैं ना, हम तो जाके कुछ करेंगे नहीं। तो मोदी सरकार तो हेड थी, कांग्रेस तो थी नहीं, तो फिर मोदी सरकार क्यों नहीं थी? अगला बार आने ला चाहता है, अगला बार आने के लिए। अभी 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 नेक्स्ट टाइम में वो करेगा, हाँ होगा, बहुत काम होगा। रेलवे लगता है कि पहले से रेलवे बहुत बहुत अच्छा है, देखे ला नहीं मिला हुआ, देखिए हुआ, देखिए वाईफाई उधर बहुत कुछ ना है जापा। गरीब रथ चलवा दिए, गरीब रथ चलवा दिए थे, और मोदी जी कोई भी गरीब रथ नहीं, अमीर रथ ही चलवाए हैं। चल गया कहाँ चलाएगा वो बताओ, रामायण एक्सप्रेस चल गया ना जी, क्या बात है, नाम चलिए चलिए। देखा आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ के युवा, बुजुर्ग और यहाँ के रेलवे कर्मी किस तरीके से आपको 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में क्या क्या बता रहे हैं, और उन्होंने किसकी सरकार के लिए हामी भरी और किसकी सरकार के लिए नहीं हामी भरी और क्यों भरी, ये सब आप देख रहे हैं किस तरीके से बोला। कुछ लोगों ने बोला कि मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो दोबारा आना चाहते हैं। और कुछ ने कहा कि कांग्रेस को एक चांस देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो वादा किए हैं और युवाओं के लिए वैकेंसी दे सके, इसलिए। तो फिर देख, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।